नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 मई दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विपक्षी दलों की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना। आरजेडी पर प्रशांत किशोर का हमला। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी बना रही योजना। मंत्री श्रवण कुमार ने साधा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना। अमित शाह को असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती। अब चले बढ़ते हैं बिहार और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। विपक्षी दलों की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना। विपक्षी दलों की मुहिम को लेकर पटना में 12 जून को मीटिंग होने वाली है। अब इसी दिन को लेकर भाजपा के तरफ से भी एक बड़ी घोषणा की खबर सामने आई है। दरअसल बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा द्वारा कहा गया है कि आने वाले 11 और 12 जून को भाजपा पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। उन्होंने विपक्षी एकता में मौजूद सभी पार्टियों को लेकर कहा है कि इन भ्रष्टाचारियों को हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। परिवारवाद और वंशवाद के कारण जिन लोगों ने संपत्ति कमाया है उस भ्रष्टाचारी को लोकनायक की धरती को अपवित्र नहीं करने देंगे। आगे उन्होंने कहा कि उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन होगा और फिर से बिहार से अपराध तानाशाही और हिटलरशाही सावंतशाही प्रवृत्ति सत्ता में आकर चला रहे हैं वह कभी भी पूरी नहीं होने देंगे। विदेश यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर साधा निशाना। कैलिफोर्निया में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में अमेरिका दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में वे प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं जिसका आयोजन ओवरसीज कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में कुछ लोगों को गलतफहमी है कि उन्हें हर चीज पता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भगवान को भी समझा सकते हैं। आगे उन्होंने आरएसएस की चर्चा करते हुए कहा कि भारत में राजनीतिक दुनिया में सब कुछ बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल कर रही है। लोगों को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी पहली बार विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं। दरभंगा के केवटी विधायक ने आपत्तिजनक एफबी पोस्ट के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। धीरेंद्र कुमार धीरज नाम के व्यक्ति पर दरभंगा के केवटी विधानसभा के विधायक मुरारी मोहन झा द्वारा बहादुरपुर थाने में आवेदन देते हुए आरोप लगाया गया है। दरअसल विधायक द्वारा उस व्यक्ति पर यह आरोप लगा दिया गया है कि उसने सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट किया है। इस पोस्ट को लेकर विधायक ने उस व्यक्ति पर कार्यवाही की मांग भी की है। साथ ही विधायक ने कहा है कि धीरेंद्र कुमार धीरज ने फेसबुक पेज पर अपने पोस्ट के माध्यम से मोहम्मद इकबाल अंसारी की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि इस महापुरुष को आप पहचानते होंगे। ये केवटी पंचायत के पंचायत समिति के पति मोहम्मद इकबाल अंसारी हैं, जो केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा के आशीर्वाद से शराब का अवैध धंधा करते हैं। केवटी पुलिस ने हिम्मत दिखाकर उन्हें गिरफ्तार किया है। विधायक अपना होटल चलाते हैं और अपने लोगों से अवैध शराब बेचवाते हैं। जनता इस विधायक को माफ नहीं करेगी। विधायक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि इस पोस्ट के वजह से मेरे आत्मसम्मान को क्षति पहुंची है। हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए रांची पहुंचेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय झारखंड दौरे पर 1 जून को रांची पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा देखी जा रही है कि मुलाकात के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है और आगे की रणनीति का तैयार किया जा सकता है। मालूम हो कि बिहार में विपक्षी दलों की बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में 12 जून को होने वाली है। सम्राट चौधरी ने शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर कही ये बात। टीचरों की बहाली को लेकर बिहार में नए शिक्षक नियोजन नीति के तहत विज्ञापन जारी हो चुका है। बता दें कि इस विज्ञापन के तहत कुल 1,00,000 शिक्षकों की बहाली राज्य में की जानी है, लेकिन राज्य में भाजपा इस शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही। भाजपा इस चीज की मांग कर रही है कि इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों के साथ ठगी किया गया। वहीं सम्राट चौधरी द्वारा इस चीज को लेकर कहा गया कि राज्य सरकार की मंशा है और नीति आम लोगों के समझ से परे है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का यह दुर्भाग्यपूर्ण वाला है। राज्य सरकार पुराने शिक्षकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। नीतीश कुमार की मनमर्जी नहीं चलने वाली है। हम लोग शुरू से ही इसका विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी नेताओं पर लगे केकेआरडीबी घोटाले की जांच को लेकर सिद्धारमैया सरकार ने दी मंजूरी। बीजेपी पर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे के द्वारा केकेआरडीबी घोटाले को लेकर आरोप लगाया गया है और साथ ही इस मामले की जांच करने की मांग भी की गई है। बता दें कि अब उनकी मांग को लेकर कर्नाटक सरकार के द्वारा आदेश दे दिया गया है। मालूम हो कि इस मामले को लेकर कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के द्वारा कहा गया है कि कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड घोटाला ही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं सबकी जांच कर्नाटक सरकार के द्वारा जल्द से जल्द कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घोटाले को लेकर कर्नाटक के एक सामाजिक कार्यकर्ता गुरुनाथ वद्दे के द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि बोर्ड को जितना फंड प्रदान किया जाता है उतना फंड खर्च नहीं किया गया है और जो भी काम किया गया है वह संतोषजनक नहीं है।
आरजेडी पर प्रशांत किशोर का हमला। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा एक बार फिर से बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के 543 सांसदों में से आरजेडी के 0 सांसद है। बिहार में लोगों को लगता होगा कि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है। पिछले विधानसभा में कुछ परिस्थितियां बन गई, इसके कारण इनके 20-30 से ज्यादा विधायक जीत गए। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर आपको बैठा दे तो इसका क्या मतलब है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले तो अपना एक एमपी तो जिताकर दिखाएं, आरजेडी का अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। अमित शाह को असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बीते रात एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि अगर उनमें दम है तो वे चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मंदिरों के लिए करोड़ रुपए अनुमोदित होते हैं और अमित शाह कहते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, अगर ऐसा होता है तो फिर उन्हें दर्द किस बात का होता है। वो कहते हैं कि वह ओल्ड सिटी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो क्या ऐसे में हम चूड़ियां पहनकर बैठे हैं? अगर उनमें दम है तो वह चीन में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बोलती रहती है कि ओवैसी ये ओवैसी वो, अगर ऐसा करने से तुमको ग्लूकोज मिल गया है तो मेरा नाम लेते रहो। उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस वाले कहते रहते हैं कि हमें सत्ता मिलेगी तो हम इतना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बताओ कौन रोका है तुमको। मंत्री श्रवण कुमार ने साधा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं अब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा बीते दिन बिहार के नालंदा में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह धर्म की सियासत करते हैं। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह 3 बिता का टिक रखते हैं और 3 किलो मांस खाते हैं। ऐसे नेता के मुंह में धर्म की बात शोभा नहीं देती। वह दलित के घर खाना खाने की नौटंकी करते हैं। वह दलित के घर खाना जरूर खा सकते हैं लेकिन उससे पहले कुक की मदद से सारा सामान और बर्तन पहले ही भिजवा देते हैं और फिर उनके घर खाना खाने की नौटंकी करते हैं। 2024 को लेकर जिस तरह सभी विपक्षी पार्टियां एक हो रही है उससे बीजेपी घबराई हुई है। यही वजह है कि वह राम के नाम पर बेतुकी बयानबाजी कर रही है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी बना रही योजना। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी जोरों शोरों से लगी हुई है। केंद्र में बीजेपी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इसे लेकर बीजेपी हर जगह उत्सव मना रही, साथ ही कई कार्यक्रम भी आयोजित कर रही। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर कई रैली के आयोजन की तैयारी भी कर रही है। इसी कड़ी में यह खबर भी सामने आई है कि आगामी महीने जून या जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी भी एक बड़ी जनसभा कर सकते हैं। जनसभा के लिए पीएम कार्यालय में न्योता भी भेजा जा चुका है लेकिन यह रैली कहां और कब होगी इसे लेकर अभी किसी तरह योजना तय नहीं हुई है। बता दें कि पीएम मोदी की इस रैली के अलावा बिहार के हर लोकसभा सीट पर बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बनाई जा रही। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत और भी कई बड़े केंद्रीय मंत्री को बुलाया जाएगा। पहलवानों द्वारा मेडल किसान नेता को सौंपे जाने पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही ये बात। यौन शोषण को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवान अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा था कि न्याय न मिलने पर वे अपने मेडल को गंगा नदी में समर्पित कर देंगे लेकिन ऐन मौके पर किसान नेता ने उन्हें रोक लिया। साथ ही उन्होंने कुछ समय का वक्त मांगा। किसान नेता के अनुरोध के बाद पहलवानों ने किसान नेता की बात मान ली और अपने मेडल को किसान नेता टिकैत को सौंप दिया। लेकिन अब इस मामले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पहलवान मेडल बनाने गए थे लेकिन बाद में उन्होंने टिकैत के हाथों में मेडल दे दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। बता दें कि ये महिला पहलवान पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर बैठी हैं लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जो शिकायत ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ की गई है उसकी सुनवाई नहीं हो रही। विपक्षी एकता पर चिराग पासवान का तंज। बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा बिहार के गया में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन की रिहाई और विपक्षी एकता पर तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो न किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं, तो क्या उस समय आनंद मोहन को फंसाया गया था या फिर उन्हें अब बचाया गया है? यह बात ही मुख्यमंत्री बताएं। जी कृष्णैया के परिवार को जो न्याय नहीं मिला है उनका हमें अफसोस है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकता का प्रयास आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से किया जा रहा है। 12 जून को बिहार जितने भी दल के नेता आएंगे और एक फ्रेम में तस्वीर खिंचाते नजर आएंगे तो उस एक फ्रेम में एक दर्जन से ज्यादा पीएम उम्मीदवार नजर आएंगे। हरिवंश के संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर ललन सिंह ने कही ये बात। राज्यसभा के उपसभापति और जदयू पार्टी के सांसद हरिवंश नारायण सिंह नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उनके उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर जदयू पार्टी में उन्हें लेकर नाराजगी देखी गई। मामला इतना टूल पकड़ा कि जदयू प्रवक्ता ने हरिवंश को लेकर पार्टी से कार्यवाही तक की मांग कर डाली। अब इसे लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान सामने आया है। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जदयू इस बात को लेकर हैरान और नाराज है कि हरिवंश कैसे उस समारोह में शामिल हो सकते हैं जिसका विरोध जदयू ने किया है। सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि अब जदयू चाहता है कि खुद उस पर
हरिवंश बताएं कि वे उद्घाटन समारोह में क्यों शामिल हुए थे। आगे उन्होंने कहा कि जहां तक नैतिकता का प्रश्न है तो जदयू सांसद के नाते हरिवंश की भूमिका पूरी तरह अनैतिक है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने नैतिक विवेक को कूड़ेदान में डाल दिया है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों और इतिहास बदलने की कोशिश का जदयू सहित कई पार्टियां विरोध कर रही। इसी विरोध की वजह से संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया को लेकर किया यह खुलासा। शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ईडी द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि शराब घोटाले मामले में सिसोदिया को दिनेश अरोड़ा के जरिए 2.2 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में मिले थे। ईडी द्वारा यह भी कहा गया है कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में कारोबारी अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए यह रिश्वत दी गई। चार्जशीट में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कई अवैध गतिविधि से जुड़े हुए थे। 2025 में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव पर राजीव प्रताप रूडी का बयान। एक तरफ जहां बीजेपी के द्वारा 2025 में होने वाले बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र छपड़ा के मोढ़ाड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने खुद को बीजेपी की तरफ से सीएम पद का दावेदार घोषित कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश की गरीब की चिंता अगर कोई करता है तो वह मैं हूं या पीएम मोदी। 2 साल बाद 2025 में बिहार में गरीबों की लड़ाई होने वाली है, जिसका नेतृत्व मैं ही करूंगा, क्योंकि मेरे अलावा और किसी में हिम्मत नहीं है कि वह नेतृत्व कर सके। बता दें कि रूडी के द्वारा दिए गए इस बयान से ऐसी आशंका जताई जाने लगी है कि उन्होंने 2025 में खुद को बिहार के सीएम पद का दावेदार बता दिया है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विपक्षी एकता की बैठक 12 जून को होने वाली है, आपके अनुसार यह बैठक कितनी सफल हो पाएगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।